बता दें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में बहस अब असली पार्टी के मुद्दे की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। आज दोनों पक्षों ने मामले में काफी गर्मा गर्म बहस की। उद्धव कैंप ने कहा कि गलत तरीके से पार्टी छोड़ने वाले विधायक अब खुद ही मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। इसके विरोध में शिंदे कैंप ने कहा कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी के पुराने नेतृत्व पर अब बहुमत को भरोसा नहीं है, कोई एक नेता ही पूरी पार्टी नहीं होता, नेता के विरोध को पार्टी छोड़ना कह देना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर दोनों गुटों की कई याचिकाएं लंबित है। इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने, विश्वास मत में शिवसेना के दो व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। वहीं अब उद्धव ठाकरे गुट ने नई याचिका दाखिल कर यह मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाएं। उद्धव कैंप की एक और याचिका में शिंदे पक्ष के सांसद राहुल सेवाले को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने का विरोध किया गया है। फिलहाल चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही हैं। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह भी संकेत दिए थे कि मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वह सुनवाई के बिंदुओं का संकलन जमा करवाएं। आज भी कोर्ट ने कहा है कि शिंदे कैंप के वकील हरीश सालवे अपने मुद्दों को संक्षेप में लिखकर कोर्ट को दें। कल यानी कि गुरुवार की सुबह थोड़ी देर तक मामले पर विचार किया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा कि सबसे पहले शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट आया था, उसने डिप्टी स्पीकर की तरह से की जा रही अयोग्यता की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। हम आम तौर पर याचिकाकर्ता को मामला हाई कोर्ट में रखने के लिए कहते हैं, पर अनुरोध करने पर 10 दिन के लिए डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई स्थगित कर दी। इस बीच वहां नई सरकार बन गई, नया स्पीकर चुन लिया गया, अब कहा जा रहा है कि सभी पुरानी बातें निरर्थक हो गई हैं। वहीं हरीश सालवे ने बात संभालते हुए कहा कि उनकी तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करें, बस दूसरे पक्ष की दलीलों का जवाब दिया जा रहा है। दूसरा पक्ष मानता है कि 16 विधायक अयोग्य हैं, लेकिन सच यही है कि किसी ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। करीब 1.5 घंटा चली सुनवाई के अंत में कोर्ट ने हरीश सालवे से अपने मुख्य बिंदुओं को फिर से ड्राफ्ट कर जमा करवाने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले इसी मामले को 15-20 मिनट के लिए सुना जाएगा। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।